स्वागत है आपका द यूपी हेडलाइंस में। बेहतर सरकार बनाने के उद्देश्य से दिल्ली से शुरू जन सरोकार मुहिम की कड़ी में दीपक कबीर के साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ ट्रेड यूनियन व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के 5 साल के वादों के रिपोर्ट कार्ड और जनता द्वारा वोट डालने को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दीपक कबीर ने मीडिया के जरिए देश के सभी लोगों से अपील की है कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र चुनाव में जनता सरकार के शासन काल में 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर वोट दे। सरकार ने जनता से किए वादों पर कितना काम किया है और कितनी फेल रही है, जिसके लिए आरोप पत्र तैयार किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, भारतीय अर्थव्यवस्था सभी के आंकड़े बताए गए हैं और जन सरोकार मुहिम के तहत तमाम प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हम तमाम लोग, मैं खुद दीपक कबीर, इस बात के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम चाहते हैं जनता के बीच में लोकतंत्र का ये जो चुनाव आया है, लोकसभा चुनाव आया है, ये पूरी तरह जनता के मुद्दों पर हो और पिछले 5 साल में जो सरकार का कार्यकलाप रहा है उसमें क्या उसने किया है और कितना नहीं किया, उस पर हमने एक चार्जशीट तैयार करी है, जिसे आरोप पत्र हिंदी में कह सकते हैं। वो आरोप पत्र यहाँ पर मौजूद है, उसमें बहुत सारी डिटेल दी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, सुरक्षा, रोजगार, सभी मुद्दों पर सरकार ने किस तरीके से काम किया और कितना फेल रही है। इस चार्जशीट को हम फैलाना चाहते हैं ताकि जनता इसके आधार पर वोट दे। जनता व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेजेस के आधार पे, मॉर्फ इमेजेस के आधार पे वोट मत दे। दूसरा, हम चाहते हैं कि जनता का विश्वास चुनाव में बना रहे, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो EVM से चुनाव हो रहा है उससे निकलने वाली पर्ची 100% काउंट करी जाए, ताकि हमें पता चले कि हमने अगर किसी एक पार्टी को चुनाव दिया है तो उसकी एक पर्ची बाहर है। अभी जनता के अंदर ये बात फैल चुकी है कि चुनाव में बेईमानी हो रही है और EVM के थ्रू बेईमानी होने की पूरी संभावना है। होगी या नहीं होगी हम नहीं जानते, पर जनता का चुनाव में विश्वास बनाए रखना चुनाव आयोग की पहली जिम्मेदारी है। ऐसे तमाम ट्रेड यूनियंस के सवालों को लेकर, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे को जोड़ते हुए एक प्रदेश स्तरीय मुहिम चला रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं पूरे प्रदेश की जनता, कर्मचारी, संगठनों के लोग और आम शिक्षा स्वास्थ्य के कार्यकर्ता मिलकर उन्हीं मुद्दों पर वोट दें जो जनता को देश के लिए एक बेहतर भविष्य और एक बेहतर सरकार दे सकें। और इस मुहिम में हम इस चार्जशीट का पूरा इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इस बात के लिए हमने ये बात उठाई है। बाकी हमारे तमाम मुद्दों की डिटेल्स इस चार्जशीट में मौजूद है और हम विभिन्न कन्वेंशंस और विभिन्न सूचना माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए अपनी इस जन पहल को आगे लेकर जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द यूपी हेडलाइंस। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।